वेलकम बैक टू कविता इज हेयर। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, तो फिर इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं फर्स्ट एसे कंपटीशन के बारे में। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन GNOSIS गांधी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स फॉर सब ऑल्टर्न्स हैज अनाउंस्ड अ न्यू ऑनलाइन नेशनल एसे राइटिंग कंपटीशन 2021 फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इंटरफेथ वीक 2021। यू कैन पार्टिसिपेट फ्रीली हेयर, नो एंट्री फी, दैट्स वेरी नाइस। नाउ रिगार्डिंग सुपर्ब रिवॉर्ड्स ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन के रिगार्डिंग अमेजिंग रिवॉर्ड्स। फर्स्ट प्राइज 10,001 रुपीज, पहला प्राइज 10,001 रुपए है। सेकेंड प्राइज 5,001 रुपीज, दूसरा प्राइज 5,001 रुपए है। थर्ड प्राइज 2,501 रुपीज, तीसरा प्राइज 2,501 रुपए है। ऑल पार्टिसिपेंट्स विल ऑल्सो रिसीव पार्टिसिपेशन ई सर्टिफिकेट, सभी पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेशन ई सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट्स वेरी वेरी नाइस। नाउ रिगार्डिंग गाइडलाइंस ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन की रिगार्डिंग गाइडलाइंस, दिशा निर्देश। बर्ड लिमिट फॉर एसे राइटिंग इज 2,500 to 3,000 words। एसे राइटिंग के लिए शब्द सीमा 2,500 to 3,000 words है। टाइप्ड एसेज मस्ट बी सबमिटेड इन MS Word फॉर्मेट, आपको इस कंपटीशन के लिए टाइप्ड एसेज सबमिट करने हैं MS Word फॉर्मेट में, बाकी आप फॉन्ट साइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर एसे राइटिंग मस्ट बी इंग्लिश ओनली, एसे राइटिंग की भाषा का मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज ही होना चाहिए। नो प्लेगरिज्म अलाउड, आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। ऑल डिटेल्स मेंशन्ड इन एंट्री फॉर्म बाय यू शुड बी एक्यूरेट, आप एंट्री फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल करेंगे वो एक्यूरेट होनी चाहिए। सेलेक्टेड 25 आर्टिकल्स डेट्स मीन एसेज विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑफ GNOSIS, GNOSIS के वेबसाइट पर सेलेक्टेड 25 आर्टिकल्स दैट्स मीन एसेज पब्लिश होंगे, दैट्स ऑल्सो नाइस। नाउ रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन का रिगार्डिंग टॉपिक, विषय कि आपको ऐसे किस टॉपिक पर लिखना है। इंटरफेथ इनिशिएटिव्स, अ वे टू पीस, रोल ऑफ यूथ इन प्रमोटिंग पीस टॉलरेंस एंड इंटरफेथ हार्मनी, माय अंडरस्टैंडिंग ऑन रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। रिगार्डिंग टाइमलाइन ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन की रिगार्डिंग टाइमलाइन, समय सीमा कि कब तक आप इस कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पार्टिसिपेशन इन दिस अमेजिंग कंपटीशन इज 20 फरवरी 2021, 20 फरवरी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की अंतिम तिथि है, सो काइंडली हरी अप। नाउ रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन की रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, योग्यता की कौन इसमें हिस्सा ले सकता है। दिस कंपटीशन इज ओपन फॉर those audience whose ages are between 18 to 35 years. ये competition उन लोगों के लिए open है जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है। Now how to participate in this competition? इस competition में कैसे participate करें? You can successfully register yourself and submit essay for this competition by this link. आप अपना पंजीकरण और essay का submission इस competition के लिए इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आप
कैसे करेंगे इस लिंक में अपना पार्टिसिपेशन। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको ये मिलेगा, योर एसे कैन बी अटैच्ड बाय फिलिंग द बिलो फॉर्म। तो यही आपका एंट्री फॉर्म है। यहाँ पर आपको ये डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल यानी कि एसे को अटैच करना है और सेंड पर क्लिक कर देना है। आपकी एंट्री सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। लास्ट वन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी के लिए, फॉर मोर क्वेरीज, मोबाइल 7075557960, ईमेल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंट्री फॉर्म लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जानते हैं सेकेंड एसे कंपटीशन के बारे में। एज विजिबल ऑन द स्क्रीन, द सेंटर फॉर कॉरपोरेट लॉ स्टडीज, दैट्स मीन CCLSILNU, इज कंडक्टिंग अ लेटेस्ट ऑनलाइन नेशनल एसे राइटिंग कंपटीशन 2021 इन कोलैबोरेशन विद IEEE। हेयर यू कैन पार्टिसिपेट फ्रीली ऑल्सो, नो एंट्री फी, that's also very good। Now regarding prizes of this competition, इस competition के regarding awesome prizes, author of the best essay wins a cash prize of ₹10,000, best essay के author को ₹10,000 का इनाम मिलेगा, author of the second best essay wins a cash prize of ₹5,000, दूसरे best essay के author को ₹5,000 का इनाम दिया जाएगा, all other participating authors will get awarded with a certificate of participation, all other participating authors को participation certificate मिलेगा, that's extremely great। Now the brief submission guidelines of this competition, इस competition की brief submission guidelines, दिशा निर्देश, submissions shall be made to this email ID before 11:59 PM at 25th February 2021। इस competition में participate करने के लिए last date 25 फरवरी को till 11:59 PM है, so kindly hurry up। और इस कंपटीशन में सबमिशन करने के लिए आपको अपनी एंट्री इस ईमेल एड्रेस पर सेंड करनी होगी। Submissions shall be accompanied by a covering letter which shall not fail to include the name of institution, the name of author and author's email address and contact number. The manuscript itself shall not contain any information or indication that may be helpful in identifying the author. The length of the manuscript shall not be less than 2,500 words and shall not exceed 4,000 words. आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट की लेंथ 2500 शब्द से कम नहीं होनी चाहिए और 4000 शब्द से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द मैन्यूस्क्रिप्ट शेल प्रोसेस फॉन्ट इन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द सबमिशन ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट अटैच्ड इन द ईमेल शेल बी इन MS Word फॉर्मेट। मैन्यूस्क्रिप्ट का सबमिशन जो आप मेल में अटैच करेंगे वो MS Word फॉर्मेट में होना चाहिए, compatible with MS Word 2007 and above. The manuscript containing the submission shall be original, unpublished and must not fail to contain a bibliography. Co-authorship of up to two authors is permitted. Co-authorship दो authors की permitted है। Now regarding theme of this competition, इस competition में essay writing के लिए आपको कौन सी theme select करनी है? Regarding theme, the theme for this essay competition is, इस essay competition की theme ये है, contemporary issues in corporate insolvency laws।
Participants are free to write on any topic within the ambit of this theme. Now regarding eligibility of this competition. इस competition की regarding eligibility, योग्यता की कौन इसमें participation कर सकता है? The competition is open to all students currently pursuing a UG or PG course in law, commerce, business, administration, management, professionals, CS, CMA and CA and to all other areas covering and touching upon the subject of insolvency and bankruptcy. Now regarding contact info, संपर्क करने के options for more queries. ये email ID है जिसका आप screenshot ले सकते हैं, बाकी 3 mobile numbers भी हैं जिन पर आप contact कर सकते हैं. 7226069982039548 and 9925975821. And last one, I would like to say that कि ये बहुत unique initiative है और ऐसे rare competitions बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं. उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी. तो as usual इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें. तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ. टिल देन ओके बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स टू एवरीवन.